हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप चाहें तो अपनी काफ़ी सारी बड़ी एप्लीकेशन का एक लाइट वर्जन एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार होता क्या है, हमारे फ़ोन में रैम होती है कम और एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं ज़्यादा। तो एप्लीकेशन में जस्ट लाइक फेसबुक को अगर हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो 38 MB का ये फेसबुक एप्लीकेशन है, लेकिन ये एप्लीकेशन रैम का 150 MB स्टोरेज कवर कर लेता है। इसी तरह के आप और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा साइज़ में हैं, इसकी वजह से आपके फ़ोन में जो रैम है वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी को रिड्यूस करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइज, जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एप्लीकेशन है हरमिट एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमने इस एप्लीकेशन को पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ से क्रिएट और फर्स्ट एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे रिकमेंडेड में हमारे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं जो कि पॉपुलर एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा MB में है और इन एप्लीकेशन से हमारी रैम काफ़ी फुल हो जाती है। आप चाहें तो यहीं से इस एप्लीकेशन को लाइट वर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रिएट योर ओन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली लाइट एप्लीकेशन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा यहाँ पर ये एप्लीकेशन एक ब्राउजर है और हम यहाँ पर केवल उन एप्लीकेशन को लाइट वर्जन बना सकते हैं जिसका पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, क्योंकि ये एक ब्राउजर है और ब्राउजर में यहाँ पर ये केवल एक उस वेबसाइट का शॉर्टकट क्रिएट कर देगा और जब आप उस शॉर्टकट को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ, आप एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट को एक एप्लीकेशन का रूप दे देता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये किसी भी एप्लीकेशन को एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में ही देगा, ये केवल आपको वेबसाइट का शॉर्टकट लिंक देगा जो कि आपका एप्लीकेशन में खुल जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन का लाइट वर्जन एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो यहाँ से हम फेसबुक पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर मैसेंजर का एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का भी शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ से एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं और होम स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने 3 शॉर्टकट रेडी हो चुके हैं और ये बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे कि ये एक एप्लीकेशन है। तो अगर हम फेसबुक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इंटरफेस इसका एप्लीकेशन की ही तरह है। तो यहाँ पर हमें ID और पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद हम अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। साथ ही हम चाहें तो मैसेंजर को भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम काफ़ी सारे एप्लीकेशन के शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। वो सारे ही एप्लीकेशन के जो शॉर्टकट होंगे वो एक ब्राउजर में खुलेंगे, ये कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लाइट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने जितने भी एप्लीकेशन के शॉर्टकट क्रिएट करें वो एप्लीकेशन यहाँ पे नजर आएंगी। क्रिएट में अगर जाते हैं तो यही होम पेज हमारा खुल के आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पर अगर हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें एक प्रीमियम फीचर मिलता है, तो यहाँ पर हम इसे बाय भी कर सकते हैं। तो इससे भी हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन और भी ओपन हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें एक अर्ली एक्सेस का ऑप्शन मिलता है, अबाउट का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपनी काफ़ी सारी एप्लीकेशन का एक शॉर्टकट बना के उसे एक ब्राउजर में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन अगर आप जिसको इंस्टॉल करते हैं वो उन्हें इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा और आपकी रैम काफ़ी हद तक फ्री रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।